हेलो बच्चों। तो यार आज जो है एटलीस्ट 20 तारीख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी जा रही थी कि भैया रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, अभी तक तो पता भी नहीं चला होगा सभी को। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिन्होंने अपना जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके जो भी यहाँ पे रिजल्ट है चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हैं cumset.nta.nic.in, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कोर कार्ड के। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आपको कुछ प्राइवेसी वगैरह इसकी अप्लाई करनी होती है, देन उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन डालते हैं, तो फिर आप अपना स्कोर कार्ड जो है, जैसे आप जेई मेन का स्कोर कार्ड डाउनलोड करते हैं वैसे CUET का स्कोर कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा भैया, आगे क्या पढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट तो आ गया, अब यार जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट कंडक्ट करवाया है ये NTA ने करवाया है, अब इसका और एटलीस्ट सारा का सारा काम खत्म हो गया है। अब ये जो NTA है ये आपके किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, जस्ट अब आपको जो है हर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब जितनी भी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम जैसे सिलचर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, तो आप जो उसको जस्ट सबकी वेबसाइट चेक करते रहना है, या फिर आप स्पेसिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए, या फिर आप जैसे हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर विजिट करते रहें ताकि आपको जैसे यहाँ पे रिजल्ट आया तो आप पे नोटिफिकेशन आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ओके, तो जैसे आप ऐसे कुछ स्पेसिक टारगेट कर सकते हो यार, क्योंकि वेबसाइट जो है बहुत कंजेस्टेड वेबसाइट होता है। जैसे अपन बात करते हैं CU हरियाणा की, तो आपको जैसे CU हरियाणा की वेबसाइट पे कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो भी नए बच्चे हैं उनको जैसे एडमिशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो जस्ट आपको इसके बारे में कुछ भी समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या कौन सा नोटिस, कितने पैसे, कहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना। तो इसलिए आप स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके यार, तो जस्ट अब आगे बात करते हैं कि जो रिजल्ट तो आ गया, किसी का अच्छा रिजल्ट आया है, किसी का बुरा आया है, किसी का ठीक ठाक नंबर आया है, किसी का ठीक नहीं आया, आगे क्या करना पड़ेगा, एडमिशन कैसे मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें करें कैसे, मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, राइट। तो यार इसके लिए जो है सारी की सारी यूनिवर्सिटियां जो भी वेबसाइट है यूनिवर्सिटियों का, तो वो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अभी यहाँ पे नोटिस डाल दिया है कि एडमिशन स्टार्ट सून, जल्द से जल्द एडमिशन स्टार्ट होगा, और एटलीस्ट विदिन 2 से 3 डेज के अंदर आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बना के डाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का, तो यार उसने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाल दिया है जो इस उसका जो स्मार्ट पोर्टल है उसके बारे में, और वो कोई फीस वगैरह भी नहीं ले रहा है। उसका भी एडमिशन प्रोसेस जैसे ही आज या कल के अंदर स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को अपना जो रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके, वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूनिवर्सिटी जो है अपनी स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट जारी करेगी कि ये बच्चे एलिजिबल है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट होगा और गूगल फॉर्म वगैरह जो भी इनका स्पेसिफिक पोर्टल होता है, स्मार्ट पोर्टल या फिर जो भी देते हैं, वहाँ पे आप जस्ट अप्लाई करने के बाद जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आती है वहाँ पे टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम तक अपना फीस पेमेंट करना है कॉलेज का। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, फिर सेकेंड राउंड चलता है, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड, ऐसे ऐसे कुछ राउंड चलते हैं। और यार जो बच्चे मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मतलब टाइम बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि आजकल जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है उसके अंदर ऐसा होता है कि कल जैसे आई के गुजराल की मेरिट लिस्ट जारी की गई, वो एटलीस्ट 5 या 6 घंटे का टाइम दिया गया था बच्चों को, 5 बजे तक एटलीस्ट 50,000 रुपये पे करने थे। तो यार मतलब वेरी कंजस्टेड, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 रुपये एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर जुटा पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो जो भी बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना है अपनी यार फीस वगैरह जो है उसका जो भी अपना कनेक्शन टाइप करके रखे, ताकि आप जल्द से जल्द जैसे आपको लौट हो इंस्टीट्यूट तो आप जस्ट अपनी फीस पे कर सके। और अगर आप किसी काउंसलर की सर्विस ले रहे हैं तो यार वो भी ऐसा कर सकता है कि एटलीस्ट एंड मोमेंट पे वो आपको बोल सकता है कि अगर आपने मेरी 20,000 रुपये नहीं दी फीस तो मैं आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करने दूंगा, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं दूंगा। तो जस्ट आप मतलब ऐसे कोई मतलब आपको इतना नॉलेज नहीं है और आप जस्ट किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका भी थोड़ा
ध्यान रखें, और जैसे अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस है या फिर जो भी आपका लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू ही गुजरे, क्योंकि फ्रॉड भी है मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट सारे के सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अभी अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास एटलीस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है फिर एडमिशन लेने का। और जोसा एंड सीएसएबी के अंदर बच्चों को अगर सीट नहीं मिल रही है तो बाद में तो सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बाद में आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है एडमिशन लेने का। तो यार आप जस्ट, और जिस जिन बच्चों ने जस्ट अप्लाई नहीं किया है, जैसे बहुत सारे बच्चों की क्वारी जा रही थी कि भैया हमने सीयू सेट का एग्जाम नहीं दिया कि हमारा एडमिशन हो सकता है, तो यार 99% तो आपका नहीं हो सकता। 1% चांसेस है कि लास्ट में एंड मोमेंट पे कुछ सीट्स बची हुई होती है, सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है। जैसे पिछले साल रही थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर कुछ एडमिशन किए थे हमने, जिन बच्चों ने सीयू सेट का एग्जाम नहीं दिया था फिर भी उनका हो गया था, कुछ जो लोअर ब्रांचेज होती है बीटेक के अंदर। तो यार ऐसा अगर आपका है कुछ मिल नहीं रहा इंस्टीट्यूट तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यार जिसको किसी मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, तो एक कॉलेज है मेरे पास IKGPTU, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यार वेरी वेरी वेल एंड गुड कॉलेज है एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अंदर कुछ सीट्स अभी वैकेंट है लेकिन वो हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप इसके लिए नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यार एक ये कॉलेज अगर किसी का एरोस्पेस के अंदर इंटरेस्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट ईस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है फुली गवर्नमेंट एंड दिस इज सिचुएटेड इन पटियाला मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस, दिस इज नेम इज PSAC पटियाला पंजाब स्टेट एरोनोटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड अगर अपन बात करते हैं एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो यार एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एरोस्पेस एरोनॉटिकल नहीं दे रही है, तो आप जैसे इसका देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो एरोस्पेस एरोनॉटिकल में, तो पटियाला मिलिट्री बेस के अंदर ये सिचुएटेड है, बहुत बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। तो यू कैन गेट डायरेक्टली एडमिशन इन PSAC पटियाला, यार कुछ सीट्स अवेलेबल है। जिन बच्चों को लेटरल एंट्री लेना है उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लेटरल एंट्री के अंदर कुछ सीट्स वैकेंट है बीच में PSAC पटियाला में इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एंड दिस इज ये एटलीस्ट नया इंस्टीट्यूट है, 2017 में ओपन हुआ था, एटलीस्ट इसका अभी फोर्थ ईयर है, लेकिन आई थिंक तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर तुम्हें एरोस्पेस एरोनॉटिकल में इंटरेस्ट हो तो, क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है एरोस्पेस एरोनॉटिकल के, सो इट्स वेल एंड गुड। किसी को अगर एडमिशन चाहिए तो ले सकता है, इसका कोई चार्जेस कोई पैसा बिल्कुल भी नहीं ले रहे। ओके जस्ट लाइक दिस इज माई फैमिली। ओके तो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यार हमारा भी गारंटेड एडमिशन प्लान चल रहा है, जिसके अंदर तुम्हें गारंटेड सीट मिलता ही मिलता है अगर तुम्हारे कितने भी परसेंटाइल क्यों ना हो। इसके लिए आप नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, दिस इज चार्जेबल। लेकिन अगर आपको एटलीस्ट 15-20 हज़ार रुपये दे के सीट मिल रही है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर मुझे कोई देता जब मैं एडमिशन लेना चाह रहा था तो मैं पे कर सकता था, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट अगर अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो आपसे इतने सालों से जो काउंसलिंग चल रही है वो पहले पीस पेमेंट लेती है एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये का। अगर आपका उसमें होता है तो ठीक है, वरना वो वापस डिडक्शन करके एटलीस्ट 3 से 4 महीने बाद पेमेंट करती है। वैसे अगर सारी यूनिवर्सिटियाँ कट देने लग जाए तो एटलीस्ट आपके 1 से 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप किसी अच्छे काउंसलर से इसकी सर्विसेज ले लें। और कुछ ऐसे भी है जो आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि हाँ करवा देंगे, आप जस्ट 7500 का हमें गूगल पे फोन पे का पेमेंट स्क्रीन शॉट शेयर कर दीजिए, तो आप उनसे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट ना करें। ओके मैं जस्ट नाम नहीं बोल सकता, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।